तमाम छोटे मोटे अच्छे बड़े काले गोरे बुरी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? तो आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आगे भी ऐसे यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए भी आज की न्यूज की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आई शो स्पीड के बारे में। तो रिसेंटली वो IRL स्ट्रीम कर रहे थे कतर में, तो अभी उनकी स्ट्रीम से कुछ ऐसे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिसपे उनको हेट मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि आप रेसिस्ट हो, जैसे कि कुछ ऐसे क्लिप्स। Bro, and I come back, come back, come back, come back, come back. Why you got on Argentina, bro? Konnichiwa? Konnichiwa? No, Chinese. Konnichiwa, Argentina. Chinese, no Konnichiwa. Boing, boing, boing. तो अभी इन्हीं क्लिप्स के वायरल होने के बाद स्पीड ने भी एक वीडियो शेयर की जहां पे उन्होंने इन्हीं एलिगेशंस का रिप्लाई किया। उन्होंने बताया कि वो रेसिस्ट नहीं है। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। It's a clip going around where people is saying I'm being racist to an Asian guy, you know, and I just wanted to say some things, you know. I wasn't being racist to him, I promise you, you know. I seen him, I thought he was you know, when I see I thought he was Japanese, so I say konnichiwa. I watch a lot of anime. When I found out he was Chinese, you know, I tried to say a nickname that they call me in Chinese. I literally was just talking to a Chinese person earlier today at 433 and they said they love me and I love Chinese people, so I try to say Zhong Kong, like Tong Kong, like it's a nickname that they call me in China, I promise you, you know. And if it came off as racist, I promise you I did not mean it that way. If any Asian person out there, trust me man, I'm not racist. I love Asian, I love all man. So I apologize if that came out that way. Love you guys, man. Peace out. Hope you accept my apology. तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि हसन अली के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हसन अली ने वेट का कैच ड्रॉप किया था T20 वर्ल्ड कप में। तो अभी वो एक जगह पर मैच खेल रहे थे जहां पर एक बंदा उनको बार बार तंग कर रहा था उसी कैच ड्रॉप को लेकर, जिस पर उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो उस बंदे को मारने के लिए भी भागे लेकिन लोगों ने पीछे कर दिया। वही सब पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि वाइल्ड लैंस बाय अब्रार के बारे में है। तो वाइल्ड लैंस बाय अब्रार अभी फीफा के लिए कतर में थे जहां पे उन्होंने बताया कि एक टेंट उनको कितना महंगा पड़ रहा था वहां रहने के लिए। उस टेंट पर उन्होंने अपना एक रिव्यू दिया था अपने रिसेंट व्लॉग में, उनको ये पसंद नहीं आया था और पैसे भी काफी ज्यादा चार्ज कर रहे थे, जिस पर उनको काफी इस तरह के हेट कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप इस तरह से नेगेटिव रिव्यू क्यों दे रहे हो उस टेंट के बारे में। तो अभी इसी का रिप्लाई किया उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके व्लॉग अपलोड करने के बाद सुबह सुबह 6 बजे ही लोग उनके टेंट के बाहर उनको मिलने आ गए थे, जिस पर भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। इस टेंट शरीफ की एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने वो देखी और आज सुबह जो है वो लोग मेरे टेंट पे भी आए हैं मिलने के लिए। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप काइंडली यहाँ पे ना आइएगा। और दूसरा ये कि यार सुबह 6 बजे 6:15 ना आया करें यार, रात को 3 बजे मैच ख़त्म हुआ है। कुछ 4-5 घंटे तो मैंने सोना भी था, लेकिन चलो एनीवे बहुत शुक्रिया, आप लोग जो है ना इतना प्यार करते हैं। दूसरी चीज़ें जो है ना, क्योंकि इस टेंट इस जगह के बारे में मैंने थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है जो मेरा टेंट जहाँ पे मैं रह रहा था, ये जगह है, ये हमारा जो है पंखा बस सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है। अंदर इस टाइम आप कह सकते हैं 34-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। वेंटिलेशन का कोई सिस्टम ऐसा सच नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि इस जगह के भी पॉजिटिव रिव्यूज देने चाहिए थे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये टेंट जो है वो खुला हुआ है, आप यहाँ पे आए, इसको जो है वो नीचे करें, 2-3 घंटे इस जगह पे गुजारें। $7 में आपको टेंट दे रहे हैं जहाँ पे आप सो नहीं सकते। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि RHS के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है अभी लाहौर द पावा अख्तर लावा कितना वायरल हो रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म खोलो आगे वही आया होता है। तो अभी इस पर रिएक्ट किया RHS ने भी, आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। यार ये क्या चल रहा है लाहौर द अख्तर पावा लावा? पता नहीं है, पावा शावा कुछ हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं हार्डली मुझे इंटरनेट मिलता है, जब भी खोलता हूँ यही नजर आता है। पता नहीं ऐसे लाहौर द लावा को अख्तर पावा की है यार। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि फौरी काकू के बारे में। तो फौरी काकू ने अपने रिसेंट व्लॉग में अपने फैंस को वार्निंग दी। तो उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली वो स्टार एनोनिमस के पास उनके घर पे रुके हुए थे, तो सोसाइटी में कुछ लोग पूछते हुए आए कि फौरी काकू और स्टार एनोनिमस की तरफ वो जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, और तभी वहां सोसाइटी के गार्ड ने उनको रोकने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की और स्टार एनोनिमस के घर में घुस गए। इस चीज को लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं
नहीं थे। इसी बारे में बात करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। कुछ लड़के आए हैं, पहले एक दफा आए हैं, गार्ड्स ने उनको मना किया है, फिर दूसरी दफा आए हैं गार्ड्स, फिर उनके लोगों की मुंह मारी होगी क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना, इधर की सिक्योरिटी थोड़ी हाई है और यहाँ पे ऐसे लोगों को एंटर नहीं होने देते। आई गेस स्टार्ट में दो लड़के आए हैं, गार्ड्स ने उनको मना किया कि इस तरह नहीं आना, आप किससे मिलने आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ काकू और एनोनिमस से मिलने आए हैं। गार्ड ने उनको बोला कि इस तरह मिलना अलाउ नहीं है सोसाइटी में, आपकी बाहर मिल जाओ तो मिल जाओ, लेकिन सोसाइटी में इस तरह अलाउ नहीं है। उस टाइम तो वहां से चले गए, सेकंड टाइम फिर से आए गार्ड्स, फिर मुंह मारी होगी उनकी। इसी दफा वो लोग फिर से आए, अपने साथ बहुत सारे लड़के भी आए और जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनको टॉप के आगे और ऊपर से गार्ड के साथ बदतमीजी की है। जिस बिल्डिंग में मुबीन भाई का फ्लैट है वहाँ पे वो अकेले नहीं रहते, उधर पोर्शन से ऊपर और लोग भी रहते हैं, जिनका घर है वो लोग भी रहते हैं, फैमिली रहती है यहाँ पे। इन लोगों ने ऐसी हरकत की कि ये लोग आए घर के अंदर घुस गए, वहाँ पे जाके डोर नॉक करें, बेसमेंट में आ गए, ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए। मतलब कितने अफसोस की बात है, आप लोगों को खुद थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मुबीन भाई के पास आया हूँ, आज से पहले कभी इस तरह का सीन हुआ, आप लोग मिलने के लिए आए हो और ये देखो क्या कर दिया आप लोग। मेरी भी थोड़ी बहुत इज्जत रख लिया करो आप लोग किसी के सामने। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आपने किसी से मिलना, आप उसके घर में घुस के, अंदर घुस के, यानी कि दरवाजे के बाहर खड़े, अंदर घुस के आप जाके बेल्ले, बड़े बड़े अफसोस की बात है। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि फिरोज खान और अलीजा सुल्तान के बारे में। जैसा कि अभी आपको पता है इन दोनों के बीच डिवोर्स वगैरह हो चुकी है और इनका अभी केस वगैरह चल रहा है, जिसपे उनका ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि फिरोज खान हर महीने अलीजा सुल्तान को पैसे वगैरह दिया करेंगे उनको बच्चों के लिए। लेकिन अभी अलीजा सुल्तान ने बताया था कि फिरोज खान उनके बच्चों के एडमिशन के भी पैसे वगैरह नहीं दे रहे, जिसपे अभी फिरोज खान के भी लॉयर्स ने बताया कि अभी फिरोज खान के हालात ठीक नहीं चल रहे और जैसे ही उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, अभी वो किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे, तो जैसे ही उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, तो वो टाइम टू टाइम पैसे देते जाएंगे। तो अभी इसके बाद फिरोज खान के लिए काफी सारे लोगों के हेट कॉमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि एक ड्रामा के एक एपिसोड के लिए गूगल पे ये बताया जा रहा है कि आपको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके हालात ठीक नहीं चल रहे। बाकी सब पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि नोमी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है नोमी ने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक्सपोज किया था। तो अभी उनकी उसी वीडियो पर GFX मेंटोर का भी कमेंट आया, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। ये किसकी वीडियो है? मेरी, ये मेरा चैनल है, ओके। और ये कमेंट देखो, GFX मेंटोर है। वाकई क्या कह रहे हो यार, जहां से आपने सब कुछ सीखा, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, तो उन्हीं का ही मैसेज, उनके ही कमेंट आ जाए, आपके टीचर का कमेंट आ जाए, और क्या ही चाहिए, क्या करना है और कुछ। बहुत है बस, ओके यार, इट फील्स रियली वेरी गुड भाई, इट फील्स रियली गुड। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारे पास बस इतनी न्यूज है। अगर तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।